हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनों के लिए ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि कब होगी, कैसे होगी, होगी या नहीं होगी। ठीक दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर हम देंगे। ठीक दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि हम आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ईपीएस 95 की जो पेंशन है उसमें क्या क्या डिमांड दी गई है। जो हमारे मिनिमम पेंशन है उसको 7500 रुपये, इसके साथ साथ डीए और मेडिकल फैसिलिटी, जो ईपीएफ जो पेंशनर है और उनके जो वाइफ या फैमिली है उनको मेडिकल फैसिलिटी फ्री में गवर्नमेंट दे। ठीक दोस्तों, पहली डिमांड तो उनकी, उन्होंने ये डिमांड उनके सामने रखी। और आपको मैं बता दूं, अभी जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं, महाराष्ट्र चुनाव होने से पहले ही यदि ईपीएस 95 पेंशनों की जो डिमांड है उन डिमांडों पर यदि गवर्नमेंट काम करना स्टार्ट कर देती है तो लगभग 1 से 2 महीने के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर इसकी घोषणा भी कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लेकिन दोस्तों एनएससी के जो मुख्यालय है, एनएससी के जो अध्यक्ष है, वो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ईपीएस 95 पेंशनों की वृद्धि को लेकर के काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी और श्री श्रम मंत्री मनसुख लाल मांडविया जी पहले ही इसके बारे में बोल चुके हैं कि सभी ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे ऐसा जाहिर होता है कि जल्दी से जल्दी ईपीएस 95 पेंशनों की जो पेंशन है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7500 नहीं तो 5000 या कुछ ना कुछ तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी ईपीएफओ के क्योंकि दोस्तों ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं उनके जो पेंशन पहले तो क्या थी, एक किसी एक बैंक में ही पेंशन आती थी, लेकिन अभी नए रूल के हिसाब से 1 जनवरी से आप किसी भी बैंक में, किसी भी शहर के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप अपनी पेंशन को वहां पर विड्रॉल कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई भी दिक्कत लेनी नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था कि जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ आपका बैंक ही देता था, लेकिन आजकल क्या है कि आपको स्वयं ऑनलाइन जाकर अपने जीवन प्रमाण पत्र को वहां पर देना होगा, तभी आपकी जो भी पेंशन है वो चालू रहेगी। ठीक दोस्तों, इसके साथ साथ हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एनएससी के अध्यक्ष बोल चुके हैं, वित्त मंत्री जी बोल चुकी हैं और जो श्रम मंत्री हैं वो भी पेंशन में वृद्धि को लेकर के बोल चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इस पर काम करना भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो अशोक रावत जी बार बार में आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो पेंशन की वृद्धि होगी वो कितनी जल्दी हो सके। ठीक दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं आपको इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।